हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू IFS। तो स्टूडेंट्स, आज के इस जो सीरीज को हम स्टार्ट कर रहे हैं गेट के एस्पायरेंट्स के लिए, जो हमारे गेट के अपकमिंग एग्जाम के लिए जितने भी हमारे प्यारे दोस्त प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये एक छोटी सी ऑफ टॉपिक की आप बोल सकते हैं या फिर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस की आप बोल सकते हैं सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें डेली को हम आप सभी स्टूडेंट्स के साथ गेट के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनमें से एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लॉरेंट सीरीज एक्सपांशन के ऊपर, जो कि पूछा गया था गेट 2018 में। और क्वेश्चन है कि आपके पास एक फंक्शन दिया है f(z) = 1/z (z-1) और ये वैलिड कहां पे दिया है, दैट इज वैलिड मॉड ऑफ z-1 इज ग्रेटर देन 1। ओके, यहां पे ग्रेटर देन 1 रह गया है, लेकिन ये जो क्वांटिटी है मॉड ऑफ z-1 इज ग्रेटर देन 1, देन द कोएफिशिएंट ऑफ z-1, हमें इसके बारे में पूछा गया है कि 1/z-1 जो है उसका कोएफिशिएंट क्या है। तो पहले तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा 1/z-1 में, बट उसी के साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखिए कि हमें यहाँ पे दिया है ये, तो हमें पता है कि जब हमें यू कैन से सीरीज एक्सपेंशन जब लिखना होता है समेशन x^n का, तो मॉड x<1> रखते, तो इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये क्या बनेगा, मॉड ऑफ z-1 इज लेस देन 1। दोनों तरफ से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब बेसिकली आपको इस सीरीज को अगर इस रीजन में देखना हो तो आपको इस टाइप की सीरीज बनानी पड़ेगी। तो इसको अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते तो ये क्या बनेगा, इट इज सिंपली 1/z-1 - 1/z। तो आपके पास तो एक टर्म तो आ गई है जो z-1 की है, बट दूसरी जो टर्म है वो है z की, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो उसको z-1 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, z-1 + 1, सो 1/z-1 - 1/, अब इसको जरा इस तरीके से कर सकते हैं, राइट। अगेन मैं निकालूंगा z-1 को कॉमन, सो z-1 अंदर ब्रैकेट में क्या रहेगा, फर्स्ट टर्म में 1 एंड सेकंड टर्म में 1/z-1, ठीक है। तो ये आपकी टर्म आ रही है, अब यहां पे 1/z-1 - 1/z-1, और ये जो है ये कैसे होगा, 1+1/z-1, इट्स इनवर्स, सो इट बिकम्स 1/z-1 - 1/z-1 इन ब्रैकेट 1+x, यू कैन सिंपली से 1/1+x, ये वाला फॉर्म है ना, वो ये क्या होता है z-z² + z³ - z^4 और कैसे 1+, ओके इस टाइप के आपके टर्म्स चलते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर, 1-1/z-1 + 1/z-1² - 1/z-1³ ... तो दिस इज योर f(z), ओके। इसको जरा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, देयरफॉर f(z) = 1/z-1 - 1/z-1। इसको मल्टीप्लाई करने का, तो उसके बाद क्या आता है, -+, सो +1/z-1² - 1/z-1³, यही चलेगा ना आपके साथ, इसके साथ क्या आएगा -1/z-1³ + सो ऑन। तो ये दो टर्म्स कैंसिल, तो आपका f(z) कहां से स्टार्ट हो रहा है, इट इज 1/z-1² - 1/z-1³ and so on. So, coefficient चाहिए था 1/z-1 का, तो z-1 का coefficient यहाँ पे z-1 नहीं है, और इसलिए इसका जो coefficient होगा वो होगा 0। coefficient 0 मतलब आपका आंसर भी क्या आएगा, 0। तो आपका जो ये क्वेश्चन होगा लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन का, और इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और हमेशा आता है, तो 1/z-1 का जो कोएफिशिएंट होगा आपके इस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 0, ओके। सो आई होप कि आप सभी को इस टाइप का क्वेश्चन जो है उसका आइडिया आ चुकी होगी। यहाँ पे सिर्फ एक चीज को नोटिस करना है कि जो मॉड ऑफ z-1 > 1 दिया है ना, उसमें मेक श्योर रखे कि ये जो क्वांटिटी है जिस क्वांटिटी में हम सीरीज बना रहे वो लेस देन 1 रहे,
ठीक है, जिस कंडीशन आपको मिल रही है, जैसे कि आपको यहाँ पे मॉड ऑफ जेड माइनस वन लेस देन वन होता, तो फिर यहाँ पे क्या करते, फिर इसी के फॉर्म में आपको सीरीज लिखनी पड़ती आपको इसी के फॉर्म, क्योंकि ये मॉड एक्स लेस देन वन है ना, और मॉड एक्स लेस देन वन के लिए सीरीज कॉन्वर्जेंट होती है, और इस टाइप का सीरीज एक्सपेंशन होता है, तो उसको हम आराम से लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे आगे की वीडियोज भी देखिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए, और वो भी अपनी प्रिपरेशन और बढ़िया तरीके से कर पाए। थैंक यू सो मच वंस अगेन, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर प्रिपरेशन एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।